हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का जो ये वीडियो है ये है प्लस एस नेम। ओके, तो दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए चैनल को। तो आप इसमें नए वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है काला चना। अभी काला चना जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक चिक पीस। उड़द होती है, उड़द जो होती है उसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम स्प्लिट। सफेद राजमा जो होता है सफेद राजमा को बोलते हैं ब्लैक आई पी। छोला जो होता है काबुली चना उसको बोलते हैं चिक पीस। चना दाल जो होती है चने दाल को बोलते हैं चिक पीस स्प्लिट। सूखी मटर या सफेद मटर जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई पीस और वाइट पीस। मूंग होती है हरी दाल जो होती है मूंग की उसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम स्प्लिट। मोट दाल या साबित मूंग दाल जो होती है उसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम और होल मूंग बीन्स। हरी मटर जो होती है हरी मटर को बोलते हैं ग्रीन पीस। राजमा जो होता है राजमा को बोलते हैं किडनी बीन्स या बीन्स। मसूर जो होती है मसूर को इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिल। अरहर दाल या तुअर दाल जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीजन भी। साबुदाना होता है साबुदाना को इंग्लिश में बोलते हैं सागो। मसूर जो होती है साबित वाली उसको बोलते हैं ब्राउन लेंटिल्स। उड़द की दाल जो होती है सादी उसको बोलते हैं ब्लैक लेंटिल्स। मोट की दाल होती है मोट की दाल को बोलते हैं तुर्किश ग्राम। सोयाबीन को जो बोलते हैं सोयाबीन ही बोलते हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।